हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल नॉलेज। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड जो कि अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर में इससे क्वेश्चन जरूर बनेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से। और फिल्म जगत का ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किसको कौन सा अवार्ड मिला है। तो फर्स्ट है हमारा फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है, तो ये जो अवार्ड मिला है पुष्पा द राइज मूवी को, अल्लू अर्जुन की ये मूवी है जिसे ये अवार्ड मिला है फिल्म ऑफ द ईयर का। सेकेंड है सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार कौन था, तो इसका इसको जो अवार्ड मिला है ये मिला है शेरशाह को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है, तो ये फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है, तो ये फिल्म मिमी के लिए कृति सेनन को मिला है ये पुरस्कार। और फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान के लिए आशा पारेख को भी दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं बात करें क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड, तो ये मिला है सिद्धार्थ मल्होत्रा को। और क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जो मिला है वो मिला है कियारा आडवाणी को। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो मिला है फिल्म कागज के लिए मिला है सतीक कौशिक को। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है फिल्म बेल बॉटम के लिए लारा दत्त को जो है ये सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का योगदान मिला है। नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है, तो ये मिला है आयुष शर्मा को फिल्म अंतिम के लिए। वहां द फाइनल ट्रूथ के लिए पीपल्स चॉइस बेस्ट एक्टर अवार्ड जो मिला है वो मिला है अभिमन्यु दसानी को। पीपल्स चॉइस बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जो मिला है वो मिला है राधिका मदन को। सर्वश्रेष्ठ पदार्पण पुरस्कार फिल्म तड़प के लिए आहान सेट्टी को। वहीं सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार जो था वो विशाल मिश्रा को मिला है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला पुरस्कार मिला है कनिका कपूर को। क्रिटिस्ट सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है सरदार उधम सिंह को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार मिला है केन घोष फिल्म स्टेट ऑफ सीज टेंपल अटैक के लिए, ये सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ छायाकार पुरस्कार जयकृष्ण गुमड़ी फिल्म हसीना दिलरुबा के लिए मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार मिला है अंडर राउंड। टेलीविजन सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है कुंडली भाग्य के लिए। और वहीं श्रद्धा आर्य टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है अनुपमा टेलीविजन सीरीज। वहीं अवार्ड में मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर कुंडली भाग्य के लिए धीरज धूपर को टेलीविजन में मिला है। वहीं अगर बात करें सीरीज अवार्ड में मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस की बात करें अनुपमा के लिए रूमाली गांगुली। एक बार देख लेते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। दादा साहेब फाल्के अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड की शुरुआत दादा साहेब फाल्के के जन्म शताब्दी 1969 वर्ष में हुआ था। क्वेश्चन सेकेंड है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था, तो अभिनेत्री देविका रानी को सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन थर्ड है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का नाम क्या है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का पूरा नाम जो है धुंडी राज गोविंद फाल्के था। और क्वेश्चन फिफ्थ है हमारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड के विनर को 10 लाख रुपए की धनराशि स्वर्ण कमल और एक शॉल दी जाती है। तो दादा साहेब से रिलेटेड ये कुछ इतिहास की बातें थी कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के रिलेटेड किससे दिया जाता है। तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करेंगे। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने देखा है। और बात करें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की, तो यह फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार था और इससे क्वेश्चन बनेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से हमारे आने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे। और भी वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं।